नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण दो साल तक पूरी दुनिया का चक्का जाम रहा और आर्थिक जगत पे तो इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो पोस्ट कोविड चुनौतियां और अवसर क्या क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल सेंटर में, इसको लेकर के राजधानी लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में एक दो दिवसीय मंथन चल रहा है। फाइनेंशियल कॉन्क्लेव इसको कहा गया है, हाइब्रिड मोड पर है, ऑनलाइन ऑफलाइन। न केवल वित्तीय आर्थिक जगत की हस्तियां इसमें शामिल हुई हैं बल्कि छात्र छात्रा भी इसमें भाग ले रहे हैं। कल 27 तारीख को अंतिम रिजल्ट आएगा जो बताएगा कि इस मंथन से क्या नतीजा निकला। आज इस कॉन्फ्रेंस की जब शुरुआत हुई तो हमने बात करी प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह से और साथ ही वाणिज्य की जो प्रमुख हैं डॉक्टर ज्योति भार्गव से, जिन्होंने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। कोविड चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंशियल सेक्टर पर आयोजित है। मोटे तौर पर इसके बताने का उद्देश्य, सेमिनार के आयोजन का उद्देश्य ये है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो अन्य विद्वतगण हैं, वो देख सकें कि कोविड 19 के बाद जो फाइनेंशियल सेक्टर में क्राइसिस आई, जो प्रॉब्लम आई, उसका निराकरण कैसे किया जाए, उसको मैं कैसे संस्थाएँ या जो पर्सन है, फैक्ट्रियां हैं, ये सब कैसे उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें। जिस तरह से एजुकेशन सेक्टर में हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से संचालित किया, उसी तरह से कोविड 19 के कारण जो अन्य प्रॉब्लम आ रही हैं उसको किस तरह से मॉडिफाइड रूप में प्रस्तुत किया जाए और उसका बेनिफिट उठाया जा सके समाज के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा। हमारे इस सेमिनार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है। ऑनलाइन में हमारे पास सिंगापुर से राहुल सिंह जी हैं, जो कि एक इंटरनेशनल बैंक से जुड़े हुए हैं, ड्यूचेस बैंक। दूसरे एम्बेसडर टू आयरलैंड श्री अखिलेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसके अलावा हमारे पास टेरेसा जैकॉब्स और गौरव कपूर जैसे इंग्लैंड से, यूके से और बाहर से जुड़े हुए, दुबई से जुड़े हुए लोग थे। अभी भी जो टेक्निकल सेशंस होंगे उसमें हर टेक्निकल सेशन में दो तीन बाहर के रिसोर्स पर्सन जुड़े हैं। बाकी यहाँ पर इस समय हमें बड़ा सौभाग्य है, प्रोफेसर नागेश्वर राव जो वाइस चांसलर हैं वो भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ब्लेसिंग्स दी। हमारा सौभाग्य ये है कि यहाँ पे RBI के एक्स GM एंड सेक्रेटरी ओम्बड्समैन श्री RK मिश्रा जी जुड़े हैं और प्रोफेसर मुजाम्मिल और प्रोफेसर BP सिंह। प्रोफेसर मुजाम्मिल दो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रह चुके हैं, आगरा और रोहिलखंड, और प्रोफेसर BP सिंह डायरेक्टर JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े और इन्हीं का कीनोट एड्रेस भी है। उसके अलावा बहुत सारे बैंक्स से, CS से, प्रोफेशनल बॉडीज से सब लोग जुड़ करके अपनी अपनी बात कहने के लिए और बच्चों की बात सुनने के लिए भी, रिसर्चर्स भी अपने पेपर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा एक खास इस कॉन्फ्रेंस में हमने अपने छोटे बच्चे जो BCom के बच्चे हैं, जो अभी कोई पेपर प्रेजेंट करने का तो नहीं उनका ये तजुर्बा है, लेकिन उनको सिखाने के मकसद से हम एक कार्निवाल ये कर रहे हैं कि उनको लाइव प्रोग्राम से ये दिखाएं कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज काम करता है, किस तरीके से RBI काम करता है, तो वो मॉडल्स और उस तरीके से अभी इस इनॉग्रल सेशन के बाद तुरंत वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन बच्चों को ये आगे चल कर के सीखना है कि अगर अर्थशास्त्र में थोड़ा सा भी ध्यान लगाना है तो ही धन वर्षा की उम्मीद हम कर सकते हैं। किस तरीके से वो करेंगे इसको कॉन्फ्रेंस में कोशिश कर रहे हैं।